इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडिया कंट्रोल्स की। जो ये सेटिंग्स रहती है हमारे मोटोरोला के फ़ोन के अंदर, तो बेसिकली ये कहाँ पर मिलती है और इसका काम क्या रहता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मीडिया कंट्रोल्स की सेटिंग्स मिलती हैं कहाँ पर मिलती है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेटिंग्स में हम चलते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन मिलती हैं, तो साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। तो जैसे ही आप इस पर टिक करते हैं तो ये फीचर आ जाता है, लेकिन अब ये इनेबल करते हैं हम, तो इसका फ़ायदा क्या रहता है यहाँ पर जब हम इसे इनेबल करते हैं, तो गाइस इससे हम मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई सॉन्ग बज रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन में शो करता है जब सॉन्ग बजता है, जैसे मान के चलिए म्यूज़िक पर किसी पर भी। तो जैसे हम यहाँ पर टिक करते हैं तो वॉल्यूम अप होती है, ठीक है, और वॉल्यूम डाउन होती है, लेकिन जैसे ही हम इसको इस फीचर को इनेबल करते हैं और इसे होल्ड प्रेस करते हैं तो आवाज़ नहीं बढ़ती इसमें सही से, लेकिन जो आपका सॉन्ग है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। तो ये इस फीचर का काम रहता है। अभी यहाँ पर ये चल नहीं रहा होगा इस वजह से ये चेंज नहीं हो रहा, तो बस यही कंडीशन है। तो अगर यहाँ पर इस फीचर के बारे में आपको पता चल गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।